चिकी चिकी बूम बूम चिकी चिकी बूम बूम चिकी चिकी बूम बूम चिकी चिकी बूम 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 चिकी चिकी बूम 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 शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ए जी एगो गाना सुना दीजिए ना, जैसे कि तन बदन में आग लग जाए वैसे गाना सुना दीजिए। गाना सुनिएगा, लीजिए सुनिए। रुको जरा, सबर करो। हजारों गुंडा मर गए तोर गरिया तोड़ दा बाई के। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे। ए जी एगो बात बताई। हाँ बोलो। हम ना 3 रात सुबह शाम दोपहर हमेशा बड़ा होने का सोचते हैं। क्यों? तू बौनी है क्या? Oh, no. नहीं जी, हम चाहते हैं हमारे पास बहुत पैसा हो, अमीर बनने के लिए सोचते हैं, बड़ा होने के लिए सोचते हैं। ये क्या आप बोल दिया? No, no. अच्छा तो ऐसा बोलो ना, तो हमें भी बताओ ना क्या करोगे अमीर बनने के लिए, इतना पैसा लाओगे कहाँ से, कैसे बड़ा आदमी बनोगे बताओ मुझे। वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या करूँ। सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ना एक आइडिया है, तू काम करेगी मेरे आइडिया पर? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, बताओ बताओ। हाँ तो सुनो, तुम ना अपना दोनों किडनी दे दो, मैं बेच कर आती हूँ, बहुत पैसा होगा। नोप, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हाँ कुत्ता कमीना कहीं का, अगर हम तुमको दोनों किडनी दे देंगे तो सावन में भोला बाबा के पास जल चढ़ाने कैसे जाएंगे, हम तो चल ही नहीं पाएंगे। बड़ा आया आइडिया देने के लिए, हमें नहीं कमाना है पैसा, मैं गरीबी रहूंगी। इतना अच्छा आइडिया दिया और मेरे को गाली दे दिया, तो अमीर बनने के लिए सोचेगी जल्दी, तो वही ना कहूंगी कि दोनों किडनी बेच दे, चल नहीं बनना है तो। शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे। सावन आ गया है मोरे सखी, जिसको प्रेम पत्र पे ध्यान नहीं लग रहा है वो कृपया बेल पत्र पे ध्यान दे दो। समझ रहे हो? हर महादेव। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बात मेरे को समझ में नहीं आता है दोस्त, हर दिन मांस मछली खाते हो, हर दिन अंडा दबा के खाते हो। रुको जरा, सबर करो। हर महीना और जब सावन आते हैं तो शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब भगवान सब कुछ जानता है तो आप सब बेवकूफ किसे बनाते हो? वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। रे कलुआ की भलोगे मोटकी, तू कतनो महादेव जी के जल चढ़ा ले, तोरा कन्या कड़िए मिलतो। रुको जरा, सबर करो। सुन गए मोटकी, तू कतनो सोमवारी कर ले, कतनो मंगलवारी कर ले, तोरा पता सो केहन दुल्हा मिलतो, मोटके दुल्हा मिलतो। समझ रहे हो? हेलो गाजर बेबी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ बेबी, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम ठीक से हो ना, और हमारी बेबी कैसी है? लेकिन आजकल ना आपकी बेबी बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है हमको। लीजिए ये है, बात कर लीजिए उनसे भी। ओ पापा कैसे हो आप, बढ़िया से हो ना, खाना खा लिए? और देखो ना मम्मी ना सावन में मेरे को गोलबम का टी-शर्ट नहीं खरीद दे रहे हैं, देखो ना चाची अपने बेटे का खरीद दिए हैं और दीदी भी अपने बेटे का खरीद दिए हैं, लेकिन मम्मी नहीं खरीद दे रहे हैं, आप पैसा भेज दीजिए ना पापा, मम्मी मेरे को भी सावन में गोलबम का टी-शर्ट खरीद देगा जिसमें भोला बाबा और पार्वती मैया रहती है, वो वाले टी-शर्ट खरीद देंगे, पैसा भेज दीजिए ना पापा। रुको जरा, सबर करो। आजकल मम्मी ना बहुत सज धज के रहती है और बहुत सज धज के और अपने सहेली के साथ में चले जाती है पुलिया पे घूमने के लिए, आप इसे क्यों नहीं कुछ कहते हो मम्मी को? हमें तो डर हो रहा है पापा कि मम्मी कहीं भाग ना जाए हमको छोड़कर। नो पापा आप ना बाहर से घर आ जाइए, मम्मी ना बहुत डर लगती है। ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाकर सर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अगर आप ही बताइए पापा, अगर मम्मी भाग जाएगी कहीं तो हम और आप किसके साथ में सोएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मम्मी ऐसा नहीं है,
अगले महीने में आ रही है घर। ठीक है पापा, तो रख दीजिए और हम जा रहे हैं खेलने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ए सासू माँ, एक बात कान खोल के सुन ली, हम ना अलगे रहब घर में, हम घर में ना रहब। काहे से हमरा से इतना लोग के खाना पानी ना बनी, इसलिए बोल रही हूँ मम्मी इस घर में ना मेरा भी आधा अधिकार है, इसलिए आधा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारा आधा अधिकार है ना, आधा हक है ना, तो ठीक है बहू, मैं तुम्हारी आधा हक दे रही हूँ। ए बेटा जा, जाके वकील के बुला के ला। ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं वकील के बुला के लाते हैं। ये रहा मम्मी वकील साहब। अरे बोलो बोलो क्या काम है, जल्दी बोलो, नहीं तो हम गांव में जाके हल्ला कर दे कि केस फौजदारी कराई तोरी सा। हम लोग मन नहीं खेला, बहुत दिन से केस फौजदारी नहीं भइल बा। जा रे छुछुंदर, तोरा के हम बोलनी कि वकील साहब के बुला के ला, और तू केकरा बजा के लावली रे। जाइए जाइए वकील साहब जाइए, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है, जाइए जाइए जाइए। जा रहे हैं हम गांव में हल्ला करेंगे।